आज लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण का मतदान है। अंतिम चरण के साथ साथ सभी को ये भी इंतजार है कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। वहीं मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता जनता से वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता से अपील करते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चरण का मतदान है। इंडिया गठबंधन सीना ताने तानाशाही शक्तियों का मुकाबला कर रही है। लड़ाई अब अंतिम दौर में है। जनता हर दौर में हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही है। छह चरणों के बाद लोग हमें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की गारंटी को पूरा होता देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कहा कि देश में इस बार युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय का साथ और समर्थन दिया है। लोकतंत्र का ये पर्व तभी कामयाब माना जाएगा जब लोकतांत्रिक शक्तियां तानाशाही शक्तियों को परास्त कर देंगी। आज जब 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो अपने सामने संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग के बारे में सोचिएगा। हमारे किसानों, नौजवानों, श्रमिकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्गों के भविष्य के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या आप फिर 5 साल उनको अन्याय, अत्याचार और असमानता के दलदल में ढकेलेंगे या उनके लिए एक उज्ज्वल, बेहतर व न्याय संगत भविष्य का निर्माण करेंगे? फैसला आपको करना है। ध्यान रहे, अगर संविधान है तो हमारे मूलभूत मौलिक अधिकार बने रहेंगे। मेरे युवा साथी जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, उनका मैं स्वागत करता हूं। मेरा सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। बदलाव को वोट देकर होगी खुशहाल शुरुआत।